वेलकम बैक स्टूडेंट्स. एज यू नो यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स. टुडे वी टेक अ रिव्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स थ्रू दिस असाइनमेंट. क्लासरूम असाइनमेंट 43 पार्ट ए. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट यूज ऑफ ईच एवरी. ईच का यूज हम इंडिविजुअल के लिए करते हैं. इंडिविजुअल एम्फेसिस के लिए इन अ ग्रुप. और एवरी का यूज करते हैं हम सीरीज ऑफ मेंबर्स के लिए, यानी कि एक सीरीज बन जाती है उसके लिए हम एवरी का यूज करते हैं. फर्स्ट रीड टेस्ट ऑफ दीज कोटेशंस केयरफुली. फर्स्ट में क्या कहा गया है कि जो कोटेशंस दी गई हैं उनको सावधानी से पढ़े. ये एम्फेसिस कर रहा है ईच पर. केयरफुली आया हुआ है, ध्यान से पढ़े, यानी कि प्रत्येक पे एम्फेसिस हुआ है. तो इसके लिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? ईच का. द एशियन गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स. यहाँ पर एक सीरीज बन गई है कि प्रत्येक 4 साल बाद कौन से गेम किए जाते हैं. एशियन गेम्स हेल्ड किए जाते हैं, उनका आयोजन किया जाता है, एक सीरीज बन गया. तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? एवरी का. ईच बॉल वॉज ए डिफरेंट कलर. यहाँ पर प्रत्येक ग्रुप में कोई बॉल है बहुत सारी, उसमें से प्रत्येक के लिए बात की गई है. तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? ईच का. ईच बॉल वॉज अ डिफरेंट कलर. प्रत्येक बॉल का एक अलग कलर था. आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग. यहाँ पर एक सीरीज बनी हुई है कि प्रत्येक संडे मॉर्निंग को वो टेनिस खेलता है. मैं प्रत्येक संडे मॉर्निंग को टेनिस खेलता हूँ. तो एक सीरीज के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एवरी का. देयर इज़ अ बस टू डेली एवरी 5 मिनट्स. प्रत्येक 5 मिनट बाद दिल्ली के लिए यहाँ से बस होती है. एक सीरीज है तो इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? एवरी का. दोज कोकोनट्स कॉस्ट 30 रुपीज ईच. यहाँ पर कोकोनट्स हैं, बहुत सारे कोकोनट्स हैं. वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक का प्राइस कितना है? 30 रुपीज. प्रत्येक के बारे में बात की गई है तो यहाँ पर किसका यूज होगा? ईच का. इंडिविजुअल एम्फेसिस है तो हम यूज करेंगे ईच. बी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद ईदर और नीदर. एज यू नो वी यूज ईदर वन और द अदर. या तो ये थिंग या फिर दूसरी थिंग. इट इज यूज फॉर पॉजिटिव सेंस. नीदर का हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में. नीदर मीन्स होते हैं नोट वन एंड नोट द अदर. ना तो ये वाली थिंग ना ही दूसरी, दो के बीच में कंपेरिजन होता है. इधर में हम एक को चूज करते हैं लेकिन इधर में हम दोनों को नेगेटिव सेंस में लेते हैं. दोनों थिंग्स की मनाही होती है. ईदर ऑफ टू बॉयज हैज़ ब्रोकन द ग्लास. किसी ने ग्लास को तोड़ा है. टू बॉयज हैं लेकिन उनमें से किसी एक ने तो उस ग्लास को तोड़ा है. तो वी यूज हेयर ईदर. और इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस ऑल्सो. बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट देयर. और वो दोनों ही उस समय वहाँ पर प्रेजेंट थे जब ग्लास टूटा था. वेन द ग्लास ब्रोक, जब ग्लास टूटा. नीदर द मोनिटर नोर द टीचर सा इट बिंग ब्रोकन. ना तो मोनिटर ने उसे देखा और ना ही टीचर ने. नेगेटिव सेंस हो गई. टू चॉइस है तो किसका यूज करेंगे हम? नीदर का. द हेड मास्टर टोल्ड देम दैट ईदर दे शुड रिप्लेस द ग्लास और बी रेडी फॉर सस्पेंशन. अब हेड मास्टर उनको कह रहा है कि या तो वो ग्लास को रिप्लेस कर दे और बी रेडी फॉर सस्पेंशन, या फिर वो सस्पेंस के लिए रेडी हो जाए. स्टील नीदर ऑफ देम ओन्ड अप टू द क्राइम. लेकिन अभी तक उन दोनों में से किसी ने भी क्राइम को ओन नहीं किया है, माना नहीं है. इट सीम्स दैट
नीदर ऑफ देम हैड द करेज टू स्पीक द ट्रूथ, और ऐसा लग रहा है कि उन दोनों में से किसी को भी सच बोलने का क्रेज नहीं है, साहस नहीं था. आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर. पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिटरमिनर्स. डैश, दीज रेस्टोरेंट आर इक्वली गुड. बोथ का हम यूज करते टू थिंग्स के लिए, और इसकी सेंस कैसी होती है? पॉजिटिव. बोथ दीज रेस्टोरेंट्स आर इक्वली गुड. दोनों ही रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छे हैं. यू कैन डाइन एट ईदर ऑफ देम. हम इनमें से किसी पर भी डाइन यानि कि खाना खा सकते हैं. आई कॉल्ड हर सेवरल टाइम्स. मैंने उसे कई बार फ़ोन किया. ऑल द टाइम्स नहीं, सेवरल टाइम्स, कई बार फ़ोन किया उसे. बट ईच टाइम, लेकिन प्रत्येक समय उसकी मदर ने ही फ़ोन को पिक किया. एवरी होते एक सीरीज, और ईच का यूज करते हम इंडिविजुअल. ईच टाइम, क्योंकि हर बार जो फ़ोन पिक किया वो किसने किया है? उसकी मदर ने. टुडे मॉर्निंग आई सा एन एक्सीडेंट. वन कार ड्रोव इनटू द बैक ऑफ अनदर. एक कार ने ड्रोव इनटू द बैक, दूसरी कार के बैक में टक्कर मार दी. फॉर्चुनेटली नीदर वर द ड्राइवर्स इंजर्ड. लेकिन किसी भी ड्राइवर को चोट नहीं आई. नोर द ऑक्यूपेंट्स, ना ही ऑक्यूपेंट्स. बट बोथ द कार्स वर बैडली डैमेज्ड. लेकिन जो दोनों कारें हैं वो बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं. शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली. एवरी नहीं, ऑल द क्वेश्चंस. उसने सभी क्वेश्चंस का अच्छे से सही जवाब दिया. ही लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स. बोथ किस लिए यूज़ किया है? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उसमें दोनों ही आते हैं, हमारे मदर एंड फादर, इसलिए हम यहाँ पर बोथ का यूज़ करेंगे. ही लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स. उसने अपने माता पिता को खो दिया. डू यू वांट अ पेन और अ पेंसिल. आपको क्या चाहिए, एक पेन या फिर पेंसिल? चॉइस है, हमने एक को लेना है. तो किसका यूज़ करेंगे? ईदर का. आई रियली डोंट माइंड. व्हाट डे इज टुडे. आज कौन सा दिन है? मंडे और ट्यूसडे. उसने दो ऑप्शन दिए, मंडे और ट्यूसडे. लेकिन नीचे क्या सेंटेंस है? इट इज़ वेनसडे. इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो किसका यूज़ करेंगे? नीदर का. वेयर डिड यू गो फॉर द हॉलीडेज. आप छुट्टियों के लिए कहाँ जाओगे? मसूरी और देहरादून. वी वेंट टू बोथ. अब वो कह रहा है कि मुझे दोनों ही जगह जाना है. आ वीक इन देहरादून में, आ वीक इन मसूरी. पार्ट डी, चूज द बेस्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन टू कंप्लीट द फ्लोइंग कन्वर्सेशन. बुक सेलर, बोथ दीज बुक्स आर इक्वली गुड. अब यहाँ पर दो बुक्स हैं, वो कह रहा है कि दोनों ही बुक्स अच्छी हैं. यू कैन बाय ईदर ऑफ देम, और आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो या खरीद सकते हो. स्टूडेंट्स, दे आर गुड. वो दोनों अच्छी हैं, नो डाउट, कोई शक नहीं है. बट ऑफ देम सर्व माई नीड्स, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी नीड्स को पूरा नहीं करेगी. कैन यू प्लीज शो मी. क्या आप मुझे अनदर का यूज़ हम तब करते हैं जब सेम थिंग हमें चाहिए, लेकिन जो हमें ऑप्शन में दी गई हैं उससे अलग, उसके लिए हम अनदर का यूज़ करते हैं. अनदर बुक, लेकिन मुझे इनके अलावा, इन दोनों बुक्स के अलावा दूसरी बुक चाहिए. विच कवर्स द फुल सिलेबस, जो पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करती है. बुक सेलर, यस देयर इज द वन. अब बुक सेलर कह रहा है कि एक है. दैट कवर्स मोस्ट. मोस्ट का यूज़ हम नियरली, जो एक नियरली पूरे ग्रुप को ही रेफर करता है, लेकिन पूरा नहीं होता, उसके पास होता है, उसके लिए हम मोस्ट का यूज़ करते हैं. वो काफ़ी सिलेबस
कवर करती हैं। दिस इज़ द लेटेस्ट एडिशन, और ये लेटेस्ट एडिशन है बुक का, विद मोस्ट न्यू चैप्टर्स एडेड टू इट, और बहुत सारे इसमें चैप्टर्स न्यू ऐड किए गए हैं। स्टूडेंट्स हम, लेट मी सी, मुझे देखने दो, इट लुक्स ओके, फाइन, गिव मी दिस बुक, बुक सेलर हेयर इट इज़, 500 प्लीज। स्टूडेंट्स 500, आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव इनफ मनी ऑन मी। इनफ का जब हमें पर्याप्त धन नहीं है, उसके पास पूरा पैसा नहीं है, तो हम इनफ का यूज़ करेंगे। मोस्ट हम नियरली पूरी थिंग को या अमाउंट को कवर करती है, लेकिन पूरी नहीं होती। इनफ होता है काफ़ी, मैनी बहुत, एनी कोई भी नहीं, एनी तो नेगेटिव सेंस होता है, और कभी भी नेगेटिव सेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरा ही नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इनफ का। बुक सेलर ओ डोंट वरी, कोई बात नहीं, यू कैन पे द बैलेंस लेटर, आप बाद में पे कर सकते हो। इज़ देयर एनी अदर बुक यू नीड, क्या तुम्हें इसके अलावा कोई और बुक चाहिए। अदर का यूज हम तब करते जब हमारे पास थिंग्स हैं, लेकिन हमें उनके अलावा, लेकिन उस टाइप की नहीं जैसी हमें दिखाई गई है, उससे अलग चाहिए, तो उसके लिए हम अदर का यूज़ करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द डिस्कस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर्स। इन डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर्स वी हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल बोथ वन ईच एंड एवरी नीदर ईदर एंड टूडे वी डिस्कस्ड अबाउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ अनदर। अनदर यू इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउंस। अनदर का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउंस के साथ करते हैं, टू टॉक अबाउट एन एडिशनल पर्सन और थिंक ऑफ द सेम टाइप। जब हमारे पास कोई थिंग्स हैं, टू थिंग्स हैं, लेकिन हमें उनके अलावा कोई और चाहिए, लेकिन होनी वो उसी टाइप की है, सिर्फ हमने एडिशन करना है उसको, उस ग्रुप में इंक्लूड करना है, एज हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन, जैसा कि मैंशन किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अनदर पीस ऑफ पेपर, उसके पास पेपर तो हैं, लेकिन उसे और भी चाहिए उसी तरह के दूसरे। डू यू हैव अनदर आइडिया, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा आइडिया है। वी नीड टू फाइंड अनदर वे, हमें दूसरा रास्ता खोजने की आवश्यकता है। अदर, अदर इज यूज्ड विद प्लूरल नाउंस और समटाइम्स विद अनकाउंटेबल नाउंस। अदर का यूज हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, और कभी कभी अनकाउंटेबल नाउंस के साथ भी, लेकिन अनदर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नाउन के साथ किया जाता है, और जबकि अदर का यूज हम प्लूरल नाउंस के साथ करते हैं या फिर अनकाउंटेबल नाउंस के साथ। रोहित सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, रोहित ने अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग कर लिया है। आई मे बी कनेक्टेड टू अदर पीपल बट इट इज ऑल अबाउट मी, मैं दूसरे लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ बट इट इज ऑल अबाउट मी, लेकिन यह मेरे लिए काफ़ी है। इनफ, इन इट, इन द अबव सेंटेंस अदर इज यूज्ड विद प्लूरल नाउंस। नेक्स्ट डिटरमिनर्स इज इनफ। इनफ इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउंस। इनफ का यूज अनकाउंटेबल नाउंस से पहले किया जाता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउंस, और प्लूरल नाउन के से पहले, टू से दैट देयर इज एज मच ऑफ समथिंग, कि हमारे पास जितना भी है वो किसी कार्य को पूरा करने के लिए काफ़ी है। एज इज नीडेड, जितनी हमें आवश्यकता उतना हमारे पास सब कुछ मैटर है, और एज एनी
एज मैनी थिंग्स एज आर नीडेड, हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता वो सब हमारे पास है, उसके लिए हम इनफ का यूज़ करते हैं। देर इज़ इनफ ब्रेड फॉर द लंच, लंच के लिए यहाँ पर काफ़ी ब्रेड है। शी हैज़ इनफ मनी, उसके पास काफ़ी पैसा है। जो इनफ होता है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। हेयर इनफ इज़ यूज विद ब्रेड, ये क्या ब्रेड प्लूरल काउंटेबल नाउन से। हेयर यू यूज इनफ, इनफ मनी, मनी क्या है हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स। रिचर्ड हैज़ इनफ टैलेंट, टैलेंट अनकाउंटेबल नाउन्स आ गए। टू बिकेम ए सिंगिंग स्टार, एक सिंगिंग स्टार बनने के लिए उसके पास काफ़ी टैलेंट है। मोस्ट, मोस्ट इंडिकेट्स नियरली ऑल ऑफ ए ग्रुप और अमाउंट। मोस्ट का यूज़ हम उस अमाउंट या उस ग्रुप के लिए करते हैं जो उस ग्रुप या फिर उस अमाउंट के बिल्कुल पास में होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, नियरली होता है ओनली। फॉर एग्जाम्पल्स, मोस्ट पीपल रिकवर, बहुत सारे पीपल रिकवर तो कर चुके हैं या कर रहे हैं, बट द डिसीज कैन बी फेटल, लेकिन जो डिसीज है, जो बीमारी है, वो काफ़ी घातक है, हो सकती है। इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क, यह काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन पूरा नहीं कि हम उसको कर नहीं सकते, लेकिन काफ़ी मुश्किल वर्क है वो। सेवरल, सेवरल यूजली इंडिकेट्स एन इम्प्रिसाइज नंबर दैट इज़ नॉट वेरी लार्ज। सेवरल का हम आमतौर पर अनिश्चित संख्या को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए करते हैं, बट इज़ नॉट वेरी लार्ज, लेकिन ये काफ़ी बड़ी नहीं होती है। बट इज़ मोर देन टू, लेकिन दो से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल्स, आई हैड सीन हर सेवरल टाइम्स बिफोर, मैंने उसे पहले भी कई बार देखा था। सेवरल टाइम्स, देयर वर सेवरल रीजन्स फॉर दिस, इसके लिए कई रीजन्स हैं। नेक्स्ट डिटरमिनर्स इज नंबरल्स डिटरमिनर्स, नंबरल डिटरमिनर्स होते हैं जो संख्यावाचक होते हैं, संख्या को बताते हैं। नंबरल्स आर डिटरमिनर्स व्हेन दे अपियर बिफोर ए नाउन, नंबरल्स वो डिटरमिनर्स होते हैं जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। इन दिस पोजिशन कार्डिनल नंबरल्स एक्सप्रेस क्वांटिटी, जो कार्डिनल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 इस टाइप के, वो क्वांटिटी को या मात्रा को एक्सप्रेस करते, दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 book, 5 chairs, 2 cats एक्सेट्रा। इन द सेम पोजिशन ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स जैसे लाइक 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th लाइक इट एक्सप्रेस सीक्वेंस, वो सीक्वेंस को दर्शाते हैं। कोई सीक्वेंस है जैसे 1st पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, एक सीक्वेंस बनी हुई है। 1st impression, 3rd prize, 2nd row। इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स, प्रश्नवाचक डिटरमिनर्स, विच व्हाट हुज आर द वर्ड्स, ये वो शब्द है दैट डिटरमाइन अ ग्रुप अ स्पेसिफिक थिंग, जो किसी ग्रुप को या फिर विशेष वस्तु को निश्चित करते हैं बाई इंक्वायरिंग अबाउट दैम, जब उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। विच डिटरमाइंस अ स्पेसिफिक थिंग, जो विच डिटरमिनर्स है उसका यूज हम किसी विशेष वस्तु के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच बुक डू यू वॉन्ट, आपको कौन सी बुक चाहिए, हमारे पास चॉइस है, उसमें से हमें एक बुक चाहिए विशेष हमारे लिए, स्पेसिफिक है, तो वी यूज हेयर विच डिटरमिनर्स। विच ड्रेस यू लाइक द मोस्ट, व्हाट डिटरमाइंस अ जनरल थिंग, व्हाट का यूज हम साधारण थिंग के लिए करते हैं, यानी कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम फ्रिक्वेंटली कोई भी आंसर उसे दे सकते हैं सामने वाले को जो हमें से इंक्वायरी कर रहा है। What books do you like to read? आपको कौन सी बुक पढ़ना पसंद है? In this sentence हमारे पास कोई choice नहीं है, कोई books नहीं है कि हम उसमें से
चॉइस कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। हम फ्रिक्वेंटली कोई भी आंसर दे सकते हैं, बुक्स बहुत सारे टाइप्स की होते हैं, उसमें से कोई भी आंसर हम दे सकते हैं। जैसे हॉरर बुक्स हो गया है, हुज इंक्वायर्स ओनरशिप, हुज का यूज़ हम ओनरशिप के लिए यानी कि मालिकाना हक के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल हुज कार इज इट, यह किसकी कार है, यानी कि वो उसके मालिक को पूछ रहे कि ये कार किसकी है वो बताए। हुज बुक इज इट, यह बुक किसकी है। टुडे वी फिनिश्ड द डिटरमिनर्स हेयर, लेट्स डू सम एक्सरसाइज रिलेटेड टू नंबरल्स एंड इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स, लेट्स डू क्लासरूम असाइनमेंट 44 रिलेटेड टू नंबरल्स एंड इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स। पार्ट ए, ओनली 10 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट टुडे इन द क्लास। हम यहाँ पर कोई भी ऑर्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, 10, 20, कुछ भी। आई वुड लाइक टू बाय 10 चॉकलेट प्लीज़, मुझे चॉकलेट, क्या मैं एक चॉकलेट खरीद सकता हूँ प्लीज़। आई हैव मैनेज्ड टू स्कोर 90 मार्क्स इन साइंस, साइंस में वो 90 नंबर स्कोर करने के लिए मैनेज कर रहे हैं। मैरी कॉम इज द फर्स्ट वूमन, एक सीक्वेंस है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट वूमन। सो दैट वी यूज्ड ऑर्डिनल नंबर हेयर टू विन 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल, वर्ल्ड जो चैम्पियनशिप गोल्ड में उसने गोल्ड मेडल विन किया था, वो पहली वूमन थी। ईच हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, प्रत्येक हैंड में 5 फिंगर्स होती हैं। आई फिनिश्ड माई होमवर्क विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे में मैंने अपने पूरे होमवर्क को फिनिश कर लिया। दिस वैन कैन होल्ड 3 times द पैसेंजर एज माई कार, यह कार मेरी यह वैन मेरी कार की अपेक्षा 3 गुना पैसेंजर्स को होल्ड कर सकती है या कैरी कर सकती है। 7 इज माई लक्की नंबर, हम कोई भी, कोई सीक्वेंस नहीं है यहाँ पर, हम कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा लक्की है, कुछ भी नंबर हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, 10, 12, 1, 5, कुछ भी। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट इंटरोगेटिव्स, विच इज योर फेवरेट कार, मर्सिडीज और BMW, यहाँ पर 2 चॉइस दी गई हैं, इनमें से हमने किसी एक को बताना है कि कौन सी हमारी फेवरेट कार है। सो दैट वी यूज्ड हेयर विच, और विच का यूज हम किसके लिए करते हैं, स्पेसिफिक थिंग के लिए, और व्हाट का यूज हम जनरल थिंग के लिए करते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती उसमें, व्हाट में हम कोई भी आंसर अपना दे सकते हैं। हूज क्रेयॉन्स आर दीज, ये किसके क्रेयॉन्स हैं। हूज का यूज हम मालिकाना हक के लिए करते हैं, ओनरशिप के लिए करते हैं। सो दैट वी हेयर हूज, व्हाट डिड यू ईट टुडे इन योर ब्रेकफास्ट, आप आज ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करोगे या क्या खाओगे। हमें कोई चॉइस नहीं दी गई है इस सेंटेंस में कि 2 थिंग्स उनमें से एक को चूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट वी यूज्ड हेयर व्हाट, व्हाट मटेरियल्स इज दिस बैग मेड ऑफ, यह बैग किस मटेरियल से बना है। विच वे शैल वी टेक, हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए, दिस वन और दैट वन, चॉइस है, किसी एक को चूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो सो दैट वी यूज हेयर विच। व्हाट टॉपिंग्स डू यू वांट ऑन योर पिज्जा, आपको किस टाइप की टॉपिंग चाहिए आपको अपने पिज्जा पर। विच मूवी आर यू वॉचिंग टू नाइट, आज आप कौन सी मूवी देख रहे हो रात को। हूज कार कीज आर दिस, ये किसकी कार की चाबी है। पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो, 2 and 2 make 4, दिस इज माई डैश स्कूल, माई फर्स्ट स्कूल, यहाँ पर एक सिक्वेंस आ गई, उसने पहले किसकी बात की है, बाद में फर्स्ट स्कूल की, तो ये उसका कौन सा स्कूल हुआ, सेकेंड। ओन टैस ऑफ 100 is 20, 1/5 of 100 is 20, 100 का 1/5 कितना होता है, 20।
विच ऑफ दोज टू बॉयज इज योर ब्रदर, इन दोनों लड़कों में से तुम्हारा भाई कौन है, या कौन सा है, वट स्पोर्ट डू यू लाइक टू डू, आपको कौन सा स्पोर्ट खेलना पसंद है. आई डोंट नो हुज आइडिया दिस इज, मैं नहीं जानता कि ये आइडिया किसका था. ऑल आई नीड इज वन चांस, मेरी सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता वो केवल क्या है, एक चांस की. देर इज नो 13th फ्लोर इन दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में 13th फ्लोर नहीं है. फ्रॉम द 12th फ्लोर गो टू द 14th वन, हमें 12th फ्लोर से 14 में जाना पड़ता है. वेल स्टूडेंट्स, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड्स दिस डिटरमिनर्स, नंबर्स एंड इंटरोगेटिव. टूडेज वर्क इज टू डू प्रैक्टिस असाइनमेंट 25 एंड होमवर्क असाइनमेंट 25. इट इज योर टूडेज वर्क. ट्राई टू डू दिस प्रैक्टिस असाइनमेंट्स. द आंसर की विल बी सेंड टुमारो और टूडे. थैंक यू.